ओके सो दीज आर एक्चुअली द कंटेंट्स ऑफ टूडेज लेक्चर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं uh, उसके बाद हम ब्रीफली रिकेप करेंगे जो हमने लास्ट uh, क्लास में किया था एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद न्यू टॉपिक्स हम बेसिस की बात करेंगे डायमिशन की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट फोर फंडामेंटल सर्विस बेसिस और इसके अलावा रैंक की बात करेंगे वी विल बी वर्किंग ऑन सर्टन एग्जाम्पल ऑल्सो और ये तमाम मेरा ख्याल टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं आप लोगों ने ठीक है सो इट इज काइंड ऑफ़ अ रिविजन विद के हम जो है वो इसको सिग्नल्स uh, पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग हम सिग्नल्स को एज अ वैक्टर जो है वो ले रहे हैं एंड देन वी टॉक अबाउट हाउ टू वर्क विद दोंगस अच्छा अनाउंसमेंट में जो है वो देर इज़ नथिंग न्यू एक तो ये है कि आप लोगों का क्विज होगा थर्सडे uh, को फ्रॉम नाइन टू नाइन थर्टी पी एम और लेक्चर थ्री तक हमने जो भी कवर किया है वो इंक्लूडेड होगा उसमें असाइनमेंट uh, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी आप लोगों को मिल गई असाइनमेंट ओके ओके ठीक है गुड uh, अच्छा दूसरी चीज़ मैं एक और पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के आप में से कितने लोग जॉब करते हैं क्या हम ये वाली क्लास ओ क्लाक से पहले कर सकते हैं शिफ्ट या नहीं एटलीस्ट जब तक आप लोग जॉब करते हैं अच्छा और जाहिर फोर थर्टी तक आप फ्री नहीं होते होंगे राइट मैम बजे बजे तक तक छाइन चलें ठीक है क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वो हो जाता है डिले हो जाता है और मेरी बाकी जो है कमिटमेंट्स वो बहुत अर्ली होती हैं तो फिर मुझे होता है कि पूरा दिन गुजार के ही हो रहा होता है लेकिन ज़ाहिर है आप लोग जॉब करते हैं तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी वे चलें कोई बात नहीं अच्छा री कैप में जो है वी विल जस्ट ब्रीफली सी के हाँ जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम किए थे उनमें से कितने जो हैं वो आप लोगों को अभी तक याद हैं वी टॉक्ड अबाउट लीनियर एक वी टॉक्ट about linear subspaces. ठीक है इसके अलावा हमने बात की थी लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन की ठीक है और एंड देन वी टॉक्ट अबाउट लीनियर इंडिपेंडेंस ठीक है सो वी विल जस्ट री विजिट दिस थिंग हमको इसके अगेन एग्जाम्पल वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हमने खासा डिटेल में किया था लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है आज के लेक्चर में भी और फ्यूचर में भी तो लेट्स जस्ट री विजिट अच्छा कौन बताएगा हाउ डू वी डिफाइन लीनियर सब स्पेसिस अगर आपके पास एक वैक्टरी स्पेस एस है तो सब स्पेस क्या होगा इफ़ यू हैव अ वैक्टर स्पेस एस सब स्पेस विल बी अ सबसेट ऑफ दिस वैक्टरी स्पेस विच इट्स इज अ वेक्टर स्पेस ठीक है और सो so, सो so, इसकी एग्जांपल जो हमने uh, देखी थी लास्ट टाइम वो हमने ये देखी थी कि इफ यू वांट टू विजुअलाइज ठीक है वी विल सी के जाहिर है कि दिस इज़ नॉट द ओनली यानी ये जो थ्री डायमेंशनल है दिस इज़ नॉट द ओनली वेक्टर स्पेस या जिसके सब स्पेस की हम बात कर सकते हैं बट

सब सेट यू आर टेकिंग अगर वो कंडीशन ऑफ दब सब स्पेस वैक्टर स्पेस इट सेल्फ जो है वो फुलफिल कर रहा है तो इट विल बी अब स्पेस इसके बाद हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की थी लीनियर कॉम्बिनेशन में वॉट वी सेट वॉज के अगर आपके पास कोई भी सेट है और उसमें नंबर ऑफ वैक्टर्स अगर अवेलेबल हैं तो um, हम ये कहते हैं कि लेट सपोज के हमारे पास अगेन एक वैक्टर स्पेस है एस और उसमें जो वैक्टर्स हैं उनमें से कोई एक वैक्टर हमने ले लिया है एस एंड वी हैव अ सब स्पेस टी जो कि हमने ऊपर uh, जो है जिस तरह मैंशन किया हुआ है एंड टी जो है इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैक्टर्स अवेलेबल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पी वन एंड पी टू दो वैक्टर्स हैं ठीक है थीके? तो अगर हम एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं सी वन पी वन प्लस सी टू पी टू तो इसका मतलब क्या है कि हम एक्स को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स इन टी लिख रहे हैं सो लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपली मीन्स के आपके पास अगर वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की आप बात करें तो जो भी वैक्टर आपके पास मौजूद हैं उनको आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब उनको ऐड कर दें तो उससे जो भी वेक्टर आपके पास बन रहा है दैट इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो वेक्टर्स और जाहिर है कि अगर मेरे पास पी वन और पी टू जो है यहाँ पर अगर लेट्स uh, सपोज uh, कि अगर मैं इसी सिनेरियो की बात कर रही हूँ एंड आर वैक्टर स्पेस इज द होल आर क्यूब इन दैट केस P1 वन एंड पी जो है वो हमने इसके सबसेट से लिया हुआ है ना uh, S से तो इसका मतलब है कि नो मैटर वर्ड दे आर मगर इनके भी एलिमेंट्स जो है वो uh, तीन एलिमेंट्स ही होंगे ठीक है दे कैन बी एनी थिंग एंड लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स ये जो दो दो वैक्टर्स हैं इनको किसी भी दो नंबर से आपने मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया तो इन अदर वर्ड्स जो कुछ भी आपके पास एज अ रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो इन थ्री डायमेंशन ठीक है एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरली एक्चुअली जिस हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ नॉट इन दिस सबसेट याब स्पेस पे नहीं है लेकिन दिस वेक्टर विल बी इन द दैक्टर स्पेस जहां से हमने स्टार्ट किया था बिकॉज स्पेस स्पेस कंटेन्स ऑल द वेक्टर्स अभी जो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं और देन वी टॉक्ट अबाउट एन अदर थिंग जिसको जिसको यहाँ पे मैंने मैंशन नहीं किया है कि स्पेन ऑफ अ सेट इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है और uh, तो इसका मतलब है कि आपके पास uh, यानी अगर हम इसी की बात करें जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं c1 p1 वन प्लस सी टू पी टू तो इस केस में फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c1 वन और सी टू जब आप ले लेते हैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं तो उससे जो चीज़ बनती है दैट विल बी कॉल द स्पैन ऑफ p1 वन एंड पी टू या स्पैन ऑफ द सेट टी और जो एक चीज याद रखने की जरूरत है वो ये है कि स्पेन डेफिनेटली uh, अगर मैं फर्ज करें आपसे ये पूछती हूँ कि अच्छा ये बताएं कि इस इस पर्टिकुलर uh, वेक्टर का या सेट ऑफ वेक्टर्स का स्पैन क्या है तो इट इस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इसम्पॉसिबल कि आप उसके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने बैठ जाए एंड देट यू वुड बी एबल टू फाइंड ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन बट यू विल ऑलवेज गेट एन आइडिया ऑफ वट वुड दैट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन बी ठीक है तो यानी यू कैन जस्ट विजुअलाइज और इमेजन और थिंक अबाउट इट लेकिन ये कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम आ, जो है वो तमाम के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन को एक जगह लिखने की कोशिश करें या स्पेन ऑफ अ सेट जो है उसको हम पूरी तरह से डिफाइन कर सकें बट वी नो द कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास कोई भी स, आ, सेट है तो उसके Uh, उसके वेक्टर्स का जितने भी सारे uh, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें तो इट विल मेक द स्पैन ऑफ दैट वैक्टर वेक्टर सेट जो भी आपके पास है सेट अच्छा इसके अलावा लीनियर इंडिपेंडेंस में हमने क्या कहा था कि इफ़ यू आर इफ़ यू हैव टू वेक्टर्स लेट सपोज के अगेन हम इसी की बात कर रहे हैं पी वन और पी टू की बात कर रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू सी के सी वन पी वन प्लस सी टू पी टू इक्वल टू जीरो मैं लेके आना चाह रही हूँ ठीक है सो इफ द ओनली वे दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो इज द सिचुएशन जब सी वन एंड सी टू आर जीरोज तो उस केस में हम ये कहेंगे दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट लेकिन अगर नॉन जीरो वेक्टर्स नॉन जीरो स्केलर्स के लिए जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है तो फिर दे दे बिकम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का जो मतलब है वो वी सॉ लास्ट टाइम कि उसका सिंपल मतलब क्या होता है कि इट मीन्स के, के द वैक्टर्स कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ईच अदर इसका मतलब है कि डिपेंडेंसीज जो है वो फैक्टर्स में डिफाइन uh, है जबकि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि आप एक वैक्टर को दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते और अगर हम इसी की बात करते हैं जो सबसे आसान हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स देख सकते हैं इन द सेट ऑफ आर ही अगर हम बात करते हैं कि थ्री डायमेंशनल में तो इसका में uh, हमारे पास अगर मैं ये दो वैक्टर्स ले लेती हूँ पी वन इज़ वन जीरो ज़ीरो एंड पी टू इज ज़ीरो वन ज़ीरो तो so, इस केस में जो है वी कैन सी के दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि मैं एक नो मैटर मैं सी वन और सी टू जो भी चूज करूँ अनलेस एंड अनटिल में इनको जीरोज चूज़ करूँ आई वोंट हैव लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो सो दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि आज भी हम इनको यूज़ करेंगे और इनको बार बार यूज़ करते रहेंगे सो जस्ट ट्राई टू कीप दैम इन माइंड अच्छा अब uh, इसके बाद जहाँ हमने लास्ट टाइम का लेक्चर uh, रोका था दैट वॉज वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिस जी बेसिस में तो बेसिस की क्या डेफिनेशन है कि अब हमारे पास अच्छा फिलहाल वी हैव नॉट डिफाइंड के फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास अगर मैं uh, थ्री डायमेंशनल कह रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वैक्टर्स जो कि इस तरह से लिखे जा सकते हैं कि जिनके थ्री एलिमेंट्स uh, uh, हो सकते हैं जिसके अंदर ठीक है फाइनाइ डायमेंशनल का मतलब ये है कि थ्री uh, uh, तो इट्स नॉट नेसेसरी लेकिन थ्री फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर एम डायमेंशनल वैक्टर है तो इसका मतलब है कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स वन से लेकर एक्स एम तक Uh, हो सकते हैं बट वी विल सी देर इज अ सिग्निफिकेंस टू दिस कि हम एम uh, uh, मतलब डायमेंशन का मतलब क्या होता है देर इज अ स्पेसिफिक देर इज अस्पेसिफिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट जिससे हमें पता चलेगा लेकिन फॉर द टाइम भी आप लोगों को uh, मेरा ख्याल है जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा डायमेंशन वगैरह के बारे में जो पढ़ा है तो उसमें जो है बट वी इज के हमारे पास जितने भी uh, वो होते हैं कोई किसी का कमेंट आया हुआ है कोई मसला है क्या आवाज तो आ रही है ना सारों को हेलो यस मैम आ रही आवाज जी मैम अच्छा आपको वैसे किसी का मैसेज आया तो आ, या पता नहीं शायद दूसरी क्लास का आया तो आई थॉट कि मे भी कोई मसला है अच्छा चलें तो Uh, हमारे पास जो है फिलहाल सो इफ वी आर टेकिंग फाइनाइट टेकिंगमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसका मतलब ये है कि जो वेक्टर स्पेस के हमने uh, जो भी वेक्टर्स वेक्टर स्पेस के अंदर शामिल हैं उनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उनके अंदर हैं वो फाइनाइट हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं एस को जो है वो आर क्यूब ले रही हूँ तो दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या इवन आर एन भी ले रही हूँ आर एन मीन्स के uh, R, R, जितने भी एन डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर्स हैं, वो उसमें मौजूद हैं एन कैन बी वन टू थ्री फोर फाइव डिपेंडिंग अपॉन के आ, हमने आ, किस तरह से जो उसको डिफाइन डिव, डिव, किया हुआ है बट वी आर अस्यूमिंग अगर ये इनफाइनाइट नहीं है एन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि अब आ, किसी भी वेक्टर स्पेस का जो बेसिस सेट है दैट विल बी द सेट ऑफ वैक्टर्स सच दैट के उस बेसिस सेट में जो वेक्टर्स हैं उसके उसके स्पैन से पूरा सेट एस बन रहा हो एंड द बेसिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि उसके तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने शायद इस तरह से डेफिनेशन नहीं देखी होगी या आई डोंट नो कि आप लोगों को याद है कि नहीं मगर फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें कि मैं एस को आर स्कोर कर देती हूँ विच मींस के टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं ये हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं तो इन दैट केस अगर मैं जो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं द सेट ऑफ वेक्टर्स सो इफ आई टेक बी टू बी दीज टू वेक्टर्स वन जीरो एंड जीरो वन ठीक है सो वी नो के नो no मैटर मेरे पास टू डायमेंशन में कोई भी वैक्टर हो मैं इसको इन दोनों वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकती हूँ ठीक है आई कैन राइट इफ़ आई टेक एनी वैक्टर बिलोंगिंग टू एस तो इसको मैं लिख सकती हूँ एज सी वन टाइम्स वन ज़ीरो प्लस सी टू टाइम्स ज़ीरो वन ठीक है सो इट मीनस कि अब मैं सीवन सी टू को जब चेंज करती रहूंगी मेरे पास डिफरेंट वैक्टर्स आते रहेंगे इस इस स्पेस के एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सारे अगर ले लेती हूँ स्पैन ऑफ दिस बी यानी इसके जो इसके अंदर जो वैक्टर्स हैं उनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर मैं सेट ले लेती हूँ तो आई नो कि इट विल मेक द होल फैक्टर स्पेस एस

इन अदर वर्ड्स हम या नहीं कर सकते कि ये जो सी वन सी टू सी वन टाइम्स वन जीरो प्लस सी टू टाइम्स जीरो वन है इसको मैं जीरो नहीं कर सकती अनलेस एंड अनल सी वन और सी टू दोनों को जीरो ले लेती हूँ ठीक है सो इट मीन्स के जो मेरे पास ये सेट है जीरो वन और वन जीरो का जो फैक्टर है दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ बेसिस फॉर आर टू ठीक है और इसको जो है अगर मेरे पास फर्ज करें कि इसको इसको मैं जनरलाइज करना चाहती हूँ लेट सपोज कि मेरे पास एस जो है uh, मेरे पास जो वेक्टर मैंने सबसेट लिया हुआ है या जो बी है इसके अंदर पी वेक्टर्स हैं एम वेक्टर्स हैं पी वन से लेकर पी एम तक वेक्टर्स हैं तो और एक्स इज अ वैक्टर विच इज़ इ वैक्टर स्पेस सो वट विल हैपन कि I should be able to write x as the linear combination of these vectors, if they are forming the basis set of S. ठीक है ये चीज़ जो है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आपने आ, कोई भी वेक्टर स्पेस डिफाइन किया है और उस वेक्टर स्पेस के आपने सब स्पेस सबसेट ले लिया है ठीक है और उस सब सेट का आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो अगर उस लीनियर कॉम्बिनेशन से आप वेक्टर स्पेस के तमाम वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन इज एंड द वेक्टर्स इन दैट सेट इज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब है कि दे आर फॉर्मिंग वैक्टर दे आर फॉमिंग बेसिस ठीक है लेट्स एग्जाम्पल्स लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक्स वन अगेन मैं टू डायमेंशन की बात करती हूँ इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स ईजियर अच्छा अगेन वी कैन सी कि हमारे पास जो वैक्टर स्पेस है दिस इज द होल टू डायमेंशनल स्पेस एंड लेट्स सपोज कि मैं तीन डिफाइन um, करती हूँ एक तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया ठीक है दूसरा मैंने ये सर डिफाइन किया ठीक um, okay, है और तीसरा मैंने लेट मी जस्ट टेक इट बी वन बी टू एंड बी थ्री तीसरा मैंने ये डिफाइन किया है ओके okay. अब आपको आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग तीनों के बारे में सोचिए और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा बेसिस बना रहे हैं फॉर द वेक्टर स्पेस जो हमने डिफाइन किया हुआ है पहला वाला बेसिस बनाएगा कि नहीं नो मैम ये नो मैम ओके क्यों मैम क्योंकि मैम जस्ट वन डायरेक्शन कवर हो रही है, ओके okay, क्योंकि इससे जो है जब मैं इसके तमाम हम, हमने क्या डिफाइन किया हुआ है कि स्पेन ऑफ द सेट नीड टू बी द वेक्टर स्पेस लेकिन यहां पर नो no मैटर मैं मतलब अब देखिए ना स्पेन का मतलब क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन अब इसका जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करती हूं तो इट विल बी सी टाइम्स वन जीरो हो जाएगा नो मैटर ऑफ सी आई टेक ये कभी भी y डायरेक्शन को तो कवर करेगा ही नहीं ना इसका मतलब है कि दिस इज व्हाटएवर आई एम टेकिंग सी आई एम टेकिंग दिस इज जस्ट कवरिंग ऑल द वेक्टर्स ऑन दिस x एक्सिस जो x डायरेक्शन है हमारे पास क्योंकि ये y तक तो जा नहीं रहा वो तो जीरो ही रहेगा तो इसका मतलब है कि ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही तो ये तो हमने यहाँ पे कह दिया कि दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस व्हाट अबाउट सेकंड सेट एंड ये करेगा ये आ, करेगा ठीक है अब अब इसमें देखिए अभी फिलहाल जो है यू आर जस्ट गेसिंग के जो है हमारे पास के बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें ये नज़र आ रहा है अब इसके अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन देखती हूँ तो दिस आर सी वन टाइम्स वन जीरो प्लस सी टू टाइम्स वन वन ठीक है एंड वी आर एक्चुअली जस्ट अस्यूमिंग हमें ऐसे वन और टू मिल जाएंगे जो कि जिनके कॉम्बिनेशन से सारे के सारे वैक्टर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे एस के जो है ठीक है दिस इज पॉसिबल एंड दिस मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप दो वैक्टर्स ले रहे हैं या दे, देखें अगर तो हम ये वैक्टर्स ले रहे हैं ना वन जीरो एंड जीरो वन तो इसमें तो वी आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि सी वन और सी टू हम जब डिफरेंट लेंगे क्योंकि हमारा कंट्रोल दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंटली है वन के पहले वाले पे भी और दूसरे वाले के ऊपर भी ठीक है बट द थिंग इज इसके हेयर

कॉम्बिनेशन से जो है मतलब आम हमें मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो मे बी फुलफिल हो जाती है ठीक है वट अबाउट वट इज कंडीशन जो कि हमने चेक करनी है जी ये है स्पैन ऑफ बी टू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल टू होल एस है कि हमारी इंट्यूशन ये कह रही है कि हम ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन से एस के तमाम के तमाम वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं व्हाट इज द अदर कंडीशन दैट वी नीड टू चेक जी कौन बताएगा सेकंड कंडीशन क्या है बेसिस के लिए लीनियर इंडिपेंडेंस ओके सो सो द थिंग इज के वी वांट टू सी के हमारे पास अगर मैं इस इस चीज़ को C1 सी वन टाइम्स वन जीरो प्लस सी टू टाइम्स जीरो वन को अगर मैं जीरो करना चाहती हूँ तो वट वट ड अगेन आपके इंट्यूशन क्या कहती है वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं मगर यहाँ पर जो है वो मुझे uh, नज़र आ रहा है कि अगर मैं उन दोनों को ऐड करती हूँ तो अनलेस एंड अंटिल के सी वन और सी टू दोनों जीरो ज़ीरो हों मेरे पास यहाँ पर सेकेंड uh, पे कोई ना कोई नंबर uh, आ रहा होगा ठीक है सो इट सीम्स के दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो B2 है दिस इज फॉर्मिंग द बेसिस वट अबाउट B3? जी स्पैन ऑफ B3 वुड इट बी होल S? यस yes, मैम ये भी करेगा करेगा ठीक है ना बिकॉज ऑफ द रीजन के अब मेरे पास बी थ्री के अगर मैं कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो जैसे सी वन वन जीरो प्लस सी टू जीरो वन और प्लस सी थ्री टाइम्स वन वन तो अगर फर्ज करें मैं सी थ्री को जीरो भी कर देती हूँ तो मुझे पता है कि इन दोनों से तो मेरा पूरे का पूरा जो है वो आर टू कवर होना ही होना है तो इसका मतलब है कि सी थ्री कॉन्स्टेंट कर जीरो करके और उसके सी वन और सी टू के कॉम्बिनेशन ले लें तो हमारे पास वो आ, आ जाएगा पूरे का पूरा एस एंड इवन अगर हम सी थ्री भी शामिल कर लेते हैं तो वी शुड बी एबल टू फाइंड सम सी थ्री के जिससे हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से एस जो है वो जनरेट करवा सकें इस It are they Is the set जी क्वेश्चन ये सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं ये वाली तो जो है नजर आ रही है ना कि स्पेन ऑफ बी थ्री जो है बेसिस चेक कर रहे हैं ना हम बेसिस है कि नहीं है तो बेसिस के लिए दो कंडीशंस हैं एक तो स्पैन ऑफ द सेट जो हम जिस सेट को ले रहे हैं उसका स्पैन जो है वो पूरा वेक्टर स्पेस कवर करना चाहिए वो तो हमें नजर आ रहा है दूसरा क्या होना चाहिए बी थ्री मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट विच मीन्स के इसके तमाम वेक्टर्स जो है वो uh, जब उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं या हम ये कहते हैं कि सी वन टाइम्स वन जीरो प्लस सी टू टाइम्स जीरो वन प्लस सी थ्री टाइम्स वन वन would be zero only if c1 c2 and c3 are zero to phir ye linearly independent honge to hame kya nazar aa raha hai are they linearly independent yes some independent honge independent honge okay everyone agrees with that अगर आपके पास किसी भी non-zero C1, C3, C2 और C3 के लिए ये zero हो सकते हैं कि नहीं हो सकते What about अगर मैं C1 को ले लू वन C2 को भी ले लूँ 1 और C3 को ले लूँ माइनस वन फिर क्या होगा मैम ये वैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो नहीं मैम लिनियरली डिपेंडेंट है मैम ये तीसरे वाला हाँ, इंडिपेंडेंट है ठीक है क्योंकि ये नजर आ रहा है कि इसके लिए तो देखें ये वाली जो कंडीशन है ना इसके लिए तो जीरो इन्होंने होना ही होना है ठीक है नो मैटर की लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे या डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करें हर एक को एड करें तो जीरो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि दिस इज द ओनली वे दे कैन सम अप टू जीरो लेकिन यहां मुझे नजर आ रहा है कि बेसिकली अगर आप देखें कि सीवन प्लस uh, ये सॉरी नॉट uh, c1 ये जो वैक्टर्स हैं वन जीरो प्लस जीरो वन से माइनस कर दू मैं वन वन को तो इट विल गिव मी दीरो लिखी है कि सी अगर सी वन को वन है सी टू और सी वन को मैं सेम ले लू और सी थ्री को माइनस ऑफ दैट ले लू तो वहां से जो है वो मुझे जीरो आ जाएगा सो so इसका क्या मतलब है कि दे आर नॉट लिनियरली इनडिपेंडेंट टू ऑफ देर लिनियरली इनडिपेंडेंट ये वाले जो है एंड वी कैंसपैन भी कर रहे थे बेशक तीन थे हो सकता है मैं चौथा भीड कर दू बॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट सो बिकॉज दे आर नॉट लीनियरली इनडिपेंडेंट दे आर नॉट फॉर्मिंग दैटिस सेट के लिए सिर्फ एक कंडीशन का होना काफी नहीं है आप पहली कंडीशन ये चेक करते हैं कि इट इज इसका स्पैन जो है वो पूरा का पूरा आपको वैक्टर स्पेस दे रहा है और दूसरी कंडीशन जो है वो ये चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना मस्ट होता है ठीक है अच्छा इज इट क्लियर टू एवरी वन तो ये दोनों कंडीशन अगर चेक हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन पे हमने टिक लगा दिया फॉर एग्जाम्पल बी टू के केस में जो है वो हमने दोनों के ऊपर जो है वो टिक लगाया था कि बोथ ऑफ दे मार ट्रू तो इसका मतलब है कि बी जो हमारे पास ये जो बी टू सेट है दिस वॉज फॉर्मिंग अ बेसिस सेट और लेकिन हमें ये भी पता है कि वी ऑलरेडी नो कि ये दोनों भी बेसिस सेट बना रहे होते हैं वन जीरो और जीरो वन बिकॉज ये तो हमने अभी पिछली साइड पे करके देखा था कि अगर आपके पास ये होते हैं एंड वी नो दिस फॉर फ्रॉम एक्चुअली बेसिक नॉलेज ऑफ लीनियर जबरा कि अगर आपके पास ये जो यूनिट फैक्टर जिनको हम डिफाइन करते हैं तो इन यूनिट फैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है वो आप कोई भी वेक्टर जनरेट कर सकते हैं इन टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हमें यहाँ से पता चल रही हैं एक तो ये कि हमारे पास ये बी बेसिस बना रहा है फॉर आर टू एंड दिस इज आल्सो फॉर्मिंग बेसिस फॉर आर टू एंड देयर मे बी अदर टू वेक्टर्स का सेट और भी आप निकाल सकते हैं दीज आर नॉट द ओनली टू वेक्टर्स ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्ज करें कि ये टू जीरो और जीरो टू ले लूं तो दे विल बी फॉर्मिंग द बेसिस फॉर आर टू ऑल्सो सो द पॉइंट इज के आपके पास किसी एक वैक्टर स्पेस के लिए जो बेसिस हैं उसके वैक्टर्स जो है जो बेसिस सेट है इट विल नॉट बी यूनिक यू कैन हैव मोर देन वन सेट ऑफ वैक्टर्स स्पेनिंग द सेम वैक्टर स्पेस ठीक है लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि द नंबर ऑफ वैक्टर इन द बेसिस सेट विल ऑलवेज बी सेम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वैक्टर ले लू नो no मैटर वो एक वैक्टर मेरे पास जो भी हो वन टू में ले लू ठीक है या ये कि जीरो टू ले लू टू जीरो ले लूं यानी वन टू जो है ये बेशक दोनों डायरेक्शन को कर रहा है कवर लेकिन इससे मेरा पूरा का पूरा आर टू कवर कभी भी नहीं होगा जब मैं इसको एक वेक्टर है ना इसको जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगी कोई भी सी ले लेती हूं तो वो जो मुझे मिलेगा जो भी प्रोडक्ट मिल रहा होगा इट विल बी ऑन द सेम लाइन जो वन और टू से जो भी मेरे पास लाइन बन रही होगी सो द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास आर टू है या टू डायमेंशनल वैक्टर स्पेस है तो वन डायमेंशनल वन अगर मैं वैक्टर लेती हूँ इट विल नेवर बी कवरिंग द होल वेक्टर स्पेस या ये कि इस्पैन इस से जो, जो है वो मेरा पूरा वेक्टर स्पेस जो है वो इसका स्पैन जो है वो पूरे वेक्टर स्पेस नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा विच uh, मीन्स के लेकिन जो दो वैक्टर अगर मैं ले रही हूँ एंड दे बोथ ऑफ देम आर स्पेन दे कैन स्पैन द होल वैक्टर स्पेस एंड दे कैन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो एक वैक्टर नहीं कर सकता और जब मेरे पास नो मैटर वट थ्री वैक्टर्स आई एम टेकिंग थ्री वेक्टर्स जो हैं वो टू डायमेंशनल स्पेस के लिए रिडंडेंट हैं ठीक है सो व्हाट वट वी आर एक्चुअली कंक्लूडिंग फ्रॉम हेयर इज कि अगर मेरे पास जिस तरह हमने आर टू अगर लिया हुआ था वेक्टर स्पेस को तो उसका जो बेसिस सेट है इट बेसिस बी कैन हैव एनी टू वेक्टर्स विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है, सिर्फ जो कंडीशन है क्या है आप कोई से भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स अगर ले लेते हैं टू डायमेंशन के तो वो आपका टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देंगे एंड दे कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर आप वन ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो कभी भी पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं करेगा अगर आप टू से ज्यादा ले लेते हैं थ्री ले लेते हैं फोर ले लेते हैं फाइव ले लेते हैं इट विल नॉट बी अ बेसिस नेवर बिकॉज ऑफ द रीजन के उसमें आपके पास लीनियर डिपेंडेंसीज डेफिनेटली आ जाएंगी यानी वट वी आर ट्राइंग टू टूस्टेब्लिश फ्रॉम हेयर इज के तीन टू डायमेंशन के तीन वेक्टर्स कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते टू डायमेंशन के फोर वैक्टर्स नेवर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट तो यहाँ से जो कंक्लूजन हमें मिलता है वो ये कि बेसिस सेट फॉर एनी वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक आपके पास एक से ज़्यादा uh, जो है वो जिस तरह अगर वही पीछे का हम याद करें तो हमारे पास जो था वो आर uh, टू के लिए जो है एक बेसिस सेट ये हो सकता है जीरो वन वन जीरो एंड ज़ीरो वन ठीक है दूसरा जो है मोस्ट प्रोबली ये हो सकता है जो हमने और लिया था वन ज़ीरो एंड वन वन ठीक है तीसरा जो है वो आपके पास ये भी हो सकता है जीरो टू टू जीरो एंड सो एंड सो फोर्थ आपके पास जो है वो नंबर ऑफ uh, जो है वो सिर्फ इन कंडीशन किया है कि अगर आप ये टू डायमेंशनल को कर रहे हैं तो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए आपके पास एंड दे शुड बी स्पैनिंग द होल टू डायमेंशन तो द बेसिस बेसिस सेट फॉर अ वैक्टर स्पेस

ज बी द सेम ये दोनों चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो आ, अगर बेसिस सेट आपने ये स्टेब्लिश कर लिया है कि दो वैक्टर्स से कोई चीज़ स्पैन हो रही है कोई वैक्टर स्पेस एक्सपैन हो रहा है और आप कोई दूसरे दो वैक्टर्स उसमें से निकालना चाहते हैं तो यू कैन हैव टू अदर वेक्टर्स मगर दो ही से हो रहा होगा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि ये वेक्टर स्पेस दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है और आप में से कोई ये कंक्लूड करे कि ये वेक्टर स्पेस तीन वेक्टर से स्पैन हो रहा है या सम वन एल कंक्लूड कि ये वन वेक्टर से स्पैन हो रहा है दिस इज नॉट नेवर पॉसिबल सो नंबर ऑफ वैक्टर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लें या कार्डिनलिटी जो हमने एक चीज़ डिफाइन की थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट तो जो बेसिस सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे नीड टू बी सेम बट द एलिमेंट्स कैन भी डिफरेंट सिर्फ उनके जो कंडीशन उनको फुलफिल करने की जरूरत होती है वो ये दे नीड टू स्पैंड होल्ट स्पेस जिसकी हम बात कर रहे हैं एंड दे नीड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओके लेट्स गो बैक टू द स्लाइड Uh, जी अच्छा फ़ाइनाइट के अलावा अब इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में क्या हो जाता है इफ़ द इनफाइनाइट डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं बेसिस की तो उसमें और दूसरे में जो है वो डिफरेंस कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमारे पास जो है वो जब फाइनाइट डायमेंशनल होता है तो इसका मतलब है कि ये जो बेसिस वैक्टर्स हैं दे आर फाइनाइट नंबर ऑफ वैक्टर्स इन द बेसिस सेट इन फाइनाइट डायरेक्शन का मतलब ये डायमेंशन का मतलब क्या है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैक्टर्स हैं इन द बेसिस सेट एंड

दो जो सेट की हम बात कर रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली गोइंग टिल इन्फिनिटी पी इंफिनिटी तक आपके पास जो हैं वो, values है वो वैल्यूज मौजूद हैं ठीक है सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैक्टर्स कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस वैक्टर्स हो सकते हैं किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए या किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस के तौर पर क्योंकि देखें टू और थ्री डायमेंशनल में तो हमने देख लिया अगर टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमारे पास टू वेक्टर्स थे जीरो जो थे वो स्पैन करते हैं हमें पहले से पता है थ्री डायमेंशन में जो है थ्री वैक्टर्स जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन तो वट अबाउट इनफाइनाइट डायमेंशन डायमेंशनल की कोई एग्जाम्पल आपको जहन में आती है और लेट सपोज के नहीं आती लेट मी जस्ट आस्क यू वट अबाउट फोर ईयर सीरीज अगर मैं आपको ये कहूं कि फोर ईयर सीरीज के बारे में सोचें एंड मुझे सिर्फ ये बताएं कि व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि फोर ईयर सीरीज एक्चुअली फॉर्म्स अ बेसिस फॉर सर्टन साइज टाइप ऑफ सिग्नल्स तो पहले तो ये बताएं कि इस टाइप के सिग्नल्स का बेसिस ये बना सकते हैं और दूसरी चीज ये है कि फिर बेसिस वेक्टर्स अगर मैं आपको कहूँ कि फोरियर सीरीज के बेसिस वेक्टर्स मुझे बताएं तो व्हाट कैन बी द बेसिस वेक्टर्स देमसेल्फ फोरियर सीरीज याद है किसी को आप लोगों ने अभी ए डी एसपी में शुरू की है पर कहां तक पहुंचे हैं ए डी एसपी में फोरियर सीरीज स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई अभी जी एनीवन नो मैम अभी स्टार्ट अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुई तो चलें तो बताइए मुझे लेकिन फोर ईयर सीरीज पहले तो की हुई है ना सो so, किसी को याद है फोर ईयर सीरीज फोर ईयर सीरीज यूज़ किस लिए करते हैं कर, अच्छा चले फोर ईयर सीरीज आ, की जरूरत क्यों पेश आती है वो छोड़ दें बेसिस वगैरह का कॉन्सेप्ट छोड़ दें मुझे सिर्फ ये बताएं कि फोर ईयर सीरीज जो है वो आपने जब भी की थी तो वो क्यों की थी उससे क्या फायदा होता है आपने सिग्नल अगर फर्स्ट करें एक सिग्नल है जो कि आपने टाइम में लिखा हुआ है करके, ठीक है एंड देर इज अनदर सिग्नल और लेट्स सपोज यही वाला जो है ना फिर रिपीट हो रहा है यही वाला पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, मैं फोरियर सीरीज इनकी लिख लेती हूँ तो वट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये तो पता होगा ना चलिए बेसिस को डिफरेंस है तो आपने नहीं पढ़ा होगा जी वैसे तो में, में चले जाते हैं हम किसमें चले जाते हैं फूरियर डोमेन में चले जाते हैं बिल्कुल ठीक है कि आपको जो है वो और फूरियर सीरीज क्या करती है देखिए फूरियर सीरीज इज टेकिंग यू इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन बट फूरियर सीरीज इज ओनली फॉर पीरियडिक सिग्नल्स ठीक है क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ये फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो है आपके पास ए पीरियडिक सिग्नल्स भी आ जाते हैं मगर फोरियर सीरीज़ में हम क्या कहते हैं कि वी एक्चुअली से कि अगर मेरे पास कोई भी पीरियडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी तो इट कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसको एक्चुअली हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करते हैं और सी के ई जे ओमेगा के की फॉर्म में आप लिख सकते हैं ठीक है सो सी के अब अगर आप इसको इसी चीज से कंपेयर करते हैं जो मैंने यहां लिखा हुआ है ठीक है मैंने one से किया हुआ है बट इट कैन बी फ्रॉम माइनस इनफिनिटी ऑल्सो इट ड मैटर ठीक है तो द थिंग इज के अगर आप देखें तो वट इज एक्चुअली हैपनिंग सीरीज में हम क्या कह रहे हैं कि वी आर एडिंग ये एक्सपोनेंशियल जो है या साइन को साइन अगर हम इसको को साइन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं आपके पास हर एक्सपोनेंशियल या हर साइन को साइन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द रीजन के आपके पास के uh, डिफरेंट हो रहा है के डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी तो आपको एक नया साइन को साइन बने मिलेगा और हर एक को एक आप एक डिफरेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो so अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर मतलब इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो यू कैन से कि हमारे पास जो सिग्नल बन रहा है जो पीरियोडिक सिग्नल है सो इन दिस केस द वेक्टर स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पीरियॉडिक सिग्नल जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ठीक है एंड दे कैन भी जनरेटेड बाई द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्सपोनशल या साइन को साइंस एंड दीज एक्सपोनशियल आर बेसिकली जब हम जिन एक्सपोनशियल से हम जनरेट कर रहे हैं उनको दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ दीज एक्सपोनशियल तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बेसिस की बात करती हूँ इस केस में तो दीज आर फॉर्मिंग द बेसिस ठीक है और इसको बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको जो है वो होमवर्क में दूंगी कि हाउ डू हाउ टू एक्चुअली या हम आगे किसी क्लास में करेंगे कि वी विल सी के दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फिलहाल हम इसको प्रूव नहीं कर रहे बिकॉज फिलहाल वी डोंट एक्चुअली नो के इसको करने के लिए हमें uh, क्या uh, चीज़ जो है वो हम चेक कर सकते हैं बट वी विल सी के ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और उसके बाद जो है वो uh, बेसिस फॉर्म कर रहे हैं बट फॉर द टाइम बींग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग जस्ट बिलीव ऑन दिस थिंग जो आपके पास फोर ईयर सीरीज है बेसिकली दैट इज एक्चुअली फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपोनेशियस एंड दिज एक्सपोनेशियस आर एक्चुअली फॉर्मिंग द इनफाइनाइट डायमेंशनल बेसिस सेट फॉर द सेट ऑफ ऑल द पीरियोडिक सिग्नल इसी तरह से अगर हम uh, uh, बात करते हैं सैम्पलिंग की तो सैंपलिंग थ्योरम में हम आपने क्या देखा आपने अगेन डीएसपी में पढ़ा होगा ए में तो आई डोंट बिलीव कि आप अभी तक सैंपलिंग तक पहुंचे होंगे लेकिन ये कि सैंपलिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई सिग्नल है और उसके सैंपल्स ले लिए हैं आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स अवेलेबल हैं तो मेरे पास अगर ये सैंपल्स हैं ओके और इससे मैं दोबारा सिग्नल जनरेट करना चाहती हूँ तो इन दैट के केस व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारे पास जो है हम सिंक इंटरपोलेशन से सिंक फंक्शन को जो है वो हर उसके ऊपर प्लेस करके सैम्पल के ऊपर और उनको जब हम ऐड करते हैं सुपरपोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो हमें वहाँ से जो है वो ये बैंड लिमिटेड सिग्नल दोबारा से वापस मिल जाता है सो वट वी कैन से इज़ के हमारे पास जो सिंक फंक्शंस हैं अगेन और ये सिंक कैसे होते हैं दे आर शिफ्टेड एंड वेटेड सिंक वेटेड क्या क्या मतलब है कि ये जितने भी आपके पास सैंपल्स होते हैं हर सिंक का जो मैग्नीट्यूट है जीरो जीरो पॉइंट पर जो है वो सिंक का वही मैग्नीट्यूट हो जाता है जो कि सैंपल का मैगनीट्यूट है एंड देन दे आर ऑल शिफ्टेड यानी एक सिंक जो है वो वन जीरो पहले सैंपल पर है दूसरा जो है वो सेकेंड सैंपल पर होगा थर्ड पे होगा फोर्थ पे होगा और इसको आप एडअप करते हैं जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली इंटरपोलेशन हो रही है बट वट वी आर एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब ज़ाहिर है मैं डी आपको नहीं पढ़ा रही डी एस uh, जो है वो uh, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात भी नहीं करेंगे वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट गेट अ फ्लेवर ऑफ द थिंग

Uh, अगर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस के समेशन ऑफ सिंक फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वेटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल जो भी ये अगर फर्ज करें कि सिग्नल मेरे पास एन uh, था तो के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड देन सिंक शिफ्टेड एट नॉट साइन सिंक ठीक है कि जो सिंक एट द एट द पॉइंट जहां पर हमने वो सैंपल लिया हुआ है तो इससे जो है वो पूरा एक्स ऑफ टीम है जनरेट कर सकती हो ठीक है पॉइंट okay. इज so, के अगेन uh, ये वाली चीजें जो है है या सेंट है ये सारा कुछ आप ए में पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो ये चीज इस्टेबलिश uh, करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जिस जो, uh, जो अभी तक आप लोग चीज़ें डिफरेंट रेफरेंस uh, से पढ़ते आ रहे हैं या यू हैव बीन जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो है वो uh, हम इसलिए फोर सीरीज लेते हैं कि वी वी गो इन टू द फ्रिकुंेंसी डोमेन विट इज़ एक्चुअली करेक्ट बट नाव वी नो कि वो जो हमने फ्रीकुन्सी uh, डोमेन में जाने के लिए जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं दे एक्चुअली दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द बेसिस सेट इसका मतलब है कि हम बेसिस के ऊपर जो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे के सारे हम उस सेट के ऊपर कर And we can actually uh, uh, manipulate that set uh, uh, by using the uh, uh, linear algebra uh, concepts and algorithms. Okay.

Uh, utilizing them. So anyway, so this is what we talked about. We have a finite dimensional basis and infinite dimensional basis. an example I will not uh, do it, this example uh, now because we have already done this example. What What is happening We have four vectors. And all of these are in three dimensions. सो इट स के आपके पास जिस तरह से हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखी थी कि अगर टू डायमेंशनल वैक्टर स्पेस को स्पैन करना है तो टू वैक्टर्स इनफ थ्री इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते टू डायमेंशनल वैक्टर स्पेस में तो सिमिलरली अगर मेरे पास एस जो है वो थ्री डायमेंशनल वैक्टर स्पेस में ले रही हूं तो इसके बेसिस में आई नीड टू हैव थ्री वैक्टर्स विच आर लीनियर विश शुड मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर कोई चौथा वैक्टर ऐड हो गया है तो इट इज़ अ मस्ट के दे विल बिकम लीनियरली डिपेंडेंट नो मैटर मैं कौ, कौन सा चौथा ऐड करती हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न के दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास जितना भी डायमेंशन है उससे ज़्यादा वैक्टर जो है लीनियरली इनडिपेंडेंट हो सकें सो एंड देन यहाँ पर जो है वो मैं मैंने लिखा हुआ भी है वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि ये जो हमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स हैं ये कैसे मिले हैं ये हम आगे जाके बाद में बात करेंगे कि हमें पता कैसे चला कि कौन सा किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ज़ीरो मिल रहा होगा बट द पॉइंट इज़ के दीज फोर वैक्टर्स आर नॉट लेनियरली इनडिपेंडेंट लेकिन अगर मैं इनमें से ये तीन उठा रहा हूँ सिर्फ पी वन पी टू एंड पी थ्री दे आर लेनियरली इंडिपेंडेंट बट अगेन दिस इज नॉट सो ऑब्वियस क्योंकि देखिये पी वन क्या है मेरे पास पी वन जो है वो वन सिक्स एंड फाइव है पी टू इज माइनस टू फोर एंड जीरो एंड पी थ्री इज वन वन एंड जीरो तो इसको देख के तो फौरन इतना ठीक है ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक जो है वो आपके पास तीनों डायमेंशन में नॉन जीरो जो है वो वैल्यूज़ हैं मौजूद तो मोस्ट प्रोबेबली दे शुड बी एबल टू कवर द ऑल द ऑल द थ्री डायमेंशन बट द इज कि स्टिल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये भी इनमें से भी कोई जो है वो एक दूसरे का ली वो हो मल्टीपल हो ठीक है तो उसको और अभी तीन में तो शायद फिर भी समझ में आ जाए कि मल्टीपल हैं कि नहीं है लेकिन अगर फर्स्ट करें कि ये टेन डायमेंशन हो जाए या हंड्रेड डायमेंशनल वैक्टर्स हो जाए तो इट इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस कि आप जो है वो ये फिगर आउट कर सकें कि देखें चार अगर वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते अगर आपका थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था जहां से आपने वो उठाए हैं उठाएर्स लेकिन अगर तीन भी हैं तो इट इज नॉट अ मस्ट कि वो तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो अगर फर्ज करें कि मेरे पास जो तीन वैक्टर्स मैंने चूज किए वो इस तरह से एक वन टू थ्री है दूसरा टू फोर सिक्स है अब एंड तीसरा जो है वो थ्री सिक्स एंड नाइन है दे आर एक्चुअली मल्टीपल ऑफ इच अदर्स सो अगर मैं ये तीन और उठा लेती हूँ तो दे आर थ्री वैक्टर्स बट दे आर नॉट स्पेनिंग द होल स्पेस अगर हमें इसको प्लॉट करना शुरू करूँ तो वी विल सी के दे विल भी स्पेनिंग जस्ट वन लाइन इन थ्री डायमेंशनल वैक्टर स्पेस ठीक है और बिकॉज ऑफ द रीज़न के दे आर मल्टीपल ऑफ इचर सो इट डज इन सो वॉट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इज के आपके पास जितना डायमेंशनल वैक्टर स्पेस है उसको स्पैन करने के लिए उतने ही वैक्टर्स मस्ट हैं मगर दे हैव टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है कि आप कोई से भी तीन वेक्टर्स उठा लें और आप कहें कि जी ये तो आर थ्री को स्पैन करेंगे अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो दे विल नॉट स्पैन देख्री हम फाइंड आउट कैसे करें कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में करके देखते हैं ओके एनी क्वेश्चन टिल नाउ ओके सो नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन uh, देखेंगे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन उससे पहले जो Uh, ये हमने देखा है कि देर दे आर स्पेसिफिक सेट ऑफ वैक्टर्स जो कि हमें पता है कि हमेशा बेसिस बना रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल टू डायमेंशन में वन जीरो जीरो वन है जो uh, सेट so है ये हमेशा बेसिस बना रहा होगा थ्री डायमेंशन में वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ये हमें पता है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमेशा आर थ्री जो है वो जनरेट होकर रहेगा एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट दीज आर स्पेशल वैक्टर्स जो कि बेसिस बना रहे होते हैं एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल और स्टैंडर्ड बेसिस लेकिन जो चीज़ हमें अब पता चली है वो ये कि दीज आर नॉट द ओनली वैक्टर्स जो कि वैक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं या बेसिस बना सकते हैं हम कोई से भी तीन वैक्टर्स अगर निकाल लेते हैं थ्री डायमेंशन में जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और उनके स्पैन से पूरे का पूरा वैक्टर स्पेस बन रहा है तो दे विल फॉर्म अ बेसिस सेट सिमिलरली देखें यहाँ पे भी एग्जाम्पल है अब अभी तक तो, तो हमने वैक्टर्स की बात की थी वी टॉक्ट अबाउट इनफाइन डायमेंशन में हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेक्टर्स की फॉर्म में और फंक्शंस कैन भी बेसिस आल्सो फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल हो सकता है कंटिन्यूस फंक्शन या सिमिलरली जो है वो सिंक फंक्शन बेसिस बना सकते हैं सिमिलरली हम, हमारे पास अगर ये तीन पॉलिनोमियल्स हैं तो वी हैव एक्चुअली सीन दिस बिफोर ऑल्सो कि ये जो तीन पोलिनोमियल्स हैं इनके लीनियर uh, कॉम्बिनेशन से हम uh, अगर मैं फर्ज करें कि एक्स ऑफ टी जो है वो uh, लिखती हूँ विच इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री पोलिनियल तो आई कैन राइट इट लाइक दिस प्लस सी थ्री पी थ्री टी और आई कैन रट सी वन प्लस सी टू टी प्लस सी थ्री टी स्क्र एंड वी कैन सी के बाय चेंजिंग सी वन सी टू एंड सी थ्री मैं ऑल जो है पोलिनोम लेस देन और इक्वल टू टू को कवर कर सकती हूँ एंड दे आर लीनियरली इनडिपेंडेंट बिकॉज आप टी को वन और टी से नहीं जनरेट कर सकते वन को टी और टी स्कोर से नहीं जनरेट कर सकते एंड सकतेमिलर टी नहीं जनरेट कर सकते बाय मल्टीप्लाइंग थिंग कि हम कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि टॉकउटर को अगर टी को टी से मल्टीप्लाई करें तब तो टी जाएगा ना बट टी इज नॉट अ अस्टेंट सो लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आप कोई ऐसे कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको एक दूसरे की टर्म में आप लिख सकते हैं अगर लीनियरली डिपेंडेंट के हम बात कर रहे हैं सो दे आर एक्चुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो एंड दे आर फॉर्मिंग इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू का जो है वो तमाम का तमाम सेट हमें मिल सकता है तो इसका मतलब है कि दे आर बेसिस फॉर द सेट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस इक्वल टू टू एंड अदर सेट ऑफ बेस फॉर द सेम पोलिनियल कैन बी दिस थिंग ठीक है सो दिस इज समथिंग जो कि हमने अगेन uh, पहले डिस्कस कर लिया है एंड वी विल थिंग फॉर फ्यूचर के द बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यू ठीक है यहीं पर हमें नजर आ गया कि दो हैं हमारे पास इसके अलावा हमने और एग्जाम्पल भी देखी हैं हाउ एवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द दार्डिनेलिटी ऑफ द बेसिस हैव टू बी द सेम फॉर अ वैक्टर स्पेस ठीक है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस सेट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वैक्टर स्पेस ठीक है तो वैक्चर स्पेस फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह रहे हैं ना कि आर uh, क्यूब जो है वो थ्री डायमेंशनल वैक्टर स्पेस है तो इसका क्या मतलब है कि वट आई एम से जो इसका बेसिस सेट बनेगा उसमें तीन एलिमेंट होना मस्ट है ठीक है पी वन पी टू एंड पी थ्री तीन एलिमेंट से कम में ये कभी भी स्पेन नहीं हो पाएगा सो द नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस जो कि चेंज नहीं होता दैट इज एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओके और uh, हाँ जी तो ये चीज हमने अगेन वो कर ली है uh, सो दिस इज एक्चुअली जो भी आगे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है इट इज रिपीटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट मैनर्स ऑफ अ वैक्टर स्पेस इज दंबर ऑफ लीनियरली इनडिपेंडेंटर्स क्योंकि हमें पता है कि बेसिस की हमने डेफिनेशन यही की है कि इट इज अट ऑफर्स दैट आर नीडिड टू स्पैन अ वैक्टर स्पेस एंड इट इज लीनियरली दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन ऑल्सो ओके इज इट क्लियर टू एवरी वन की बेसिस जो है वो बेसिस uh, रैक्टर जो होता है uh, uh, वो क्या होता है और प्लस ये कि वहां से हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं जी ओके okay, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि अगेन इस इस पे ही बेस कर रहा है बट अगेन इट इज समथिंग Which we are revisiting. I am 100% sure परसेंट कि आपने जब भी लीनियर अल्जबरा पढ़ा होगा आपने इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा ठीक है So what we will talk about is four fundamental, fundamental सब स्पेसिस और वैक्टर स्पेसिस कह लें ठीक है um, नहीं सारी स्पेसेस एक्चुअली जी अच्छा इसमें वी हैव कॉलम स्पेस रो स्पेस नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस है

वट आर द कॉलम स्पेस किसी को याद है कॉलम स्पेस क्या होता था अगर कोई मेट्रिक आपके पास है एक्चुअली लेट मी चेंट्स में लिखा हुआ है मैं वही यूज ले, कर लेती हूँ ए से मैंने रिप्रजेंट मैं किया हुआ वैक्टर को सो लेट मी राइट इट विद ए सो ए वैक्टर है, by M -N, uh, जो है वो, uh, उसका डायमेंशन है ए मेट्रिक है सॉरी और उसकी डायमेंशन जो है एम बाई एन है तो um, Can anyone tell uh, me what is the definition of column space of A? No? Okay. So, simple jo definition hai is that um, column space jo hai, that is actually the subspace is spanned by कॉलम्स ऑफ द क्वेश्चन इज के um, हमें ये कॉलम um, स्पेस मिलेगा कैसे लेट्स सपोज के मेरे पास एक वेक्टर है वन टू एक मैट्रिक्स है वन टू एंड लेट मी टेक समथिंग थ्री फोर ले लेते हैं ठीक है और एक और मैट्रिक्स है इसको मैं ए वन कर देती हूँ इसको ए टू कर देती हूँ एंड दिस इज वन टू एंड फिफ्टी हंड्रेड ठीक है नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं, मैं इसका जो है वो कॉलम्स कितने हैं इसके दो कॉलम्स हैं दिस इज कॉलम वन एंड दिस इज कॉलम टू ठीक है एंड सिमिलरली इसके भी दो कॉलम्स हैं कॉलम वन एंड कॉलम टू सो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि आपके पास अगर वेक्टर स्पेस मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेती हूँ कॉलम सी वन कॉलम वन प्लस सी टू कॉलम टू ठीक है और लेट मी राइट इंस्टेड ऑफ कॉलम वन कॉलम टू के बजाय क्योंकि कॉलम हम वैक्ट्रस लिखते हैं तो लेट मी जस्ट टेक द मेस वैक्ट्रस पी वन और पी टू कर लेती हूँ ये चीज़ें जो है वो और इनको हमें क्यू वन क्यू टू कर लेती हूँ जस्ट टू डिफ्रेंश ये क्यू वन और क्यू टू हो गए ठीक mm. है सो so, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन सी वन पी वन सी टू पी टू हो जाएगा और यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा सम सी वन प्राइम क्यू वन प्लस सी टू प्राइम क्यू टू अब आपके पास आ, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जाहिर वेक्टर्स बन रहे हैं ये वेक्टर्स इनका जो स्पैन है या जो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो आ, जितने भी रीजन को कवर कर रहे होंगे दैट विल बी कॉल द कॉलम स्पेस ऑफ ए इसको हम जो है वो सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली C और ए इसका मतलब है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए विच इज एक्चुअली द स्पैन ऑफ द टू वेक्टर्स के कॉलम्स का जो जो है है span of, uh, P1, P2 जो है ठीक यानी स्पैन ऑफ वो कॉलम स्पेस ऑफ ए वन आ जाएगा और कॉलम स्पेस ऑफ ए टू जो है दिस विल बी इक्वल टू स्पैन ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू अच्छा माई क्वेश्चन इज कि आप लोग मुझे ये बता सकते हैं इनको देख के, के आ, ये दोनों कितना रीजन स्पैन कर रहे होंगे टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल कितने डायमेंशन एरिया को कर रहे होंगे स्पैन C1 वन एंड सी कॉलम स्पेस ऑफ ए जो है वो कितना स्पेस होगा और कॉलम स्पेस ऑफ ए जो है वो कितना स्पेस होगा या कौन सा रीजन होगा जस्ट बाय लुकिंग एट दैट दिस फिर अंदाजा हो रहा है मैम टू डायमेंशनल दोनों केसेस में यस मैम ओके एवरीवन एग्रीज जी इसका मतलब है कि टू डायमेंशन का मतलब है कि व्हाट वी आर यू आर सेइंग इज इन अदर वर्ड्स के ये पी वन पी टू और क्यू वन क्यू टू जो दोनों जो, 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 जो है वो आ, बेसिस uh, है ना फॉर टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस राइट ये टू में डिपेंडेंस तो वी है वो टू ही हैं बट वी कैन सी के जो हमारे पास बेसिकली क्यू टू है दिस इज एक्चुअली फिफ्टी टाइम्स क्यू वन ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अब स्पैन ऑफ क्यू वन क्यू टू जो है दैट विल बी जस्ट वन डायमेंशनल है, आपके पास जो है वो होंगे वेक्टर्स जो है इसमें उसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे वेक्टर्स में क्योंकि इसके इससे जो भी वेक्टर बन रहा होगा वो ज्यादा दो एलिमेंट्स का वेक्टर होगा ना बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग बाय टू टू डायमेंशनल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो जब मैं प्लॉट करूंगी तो दे विल बी ऑन अ सर्टन लाइन और वो लाइन कौन सी होगी जो वन और टू ये वाली लाइन जो होगी इसके ऊपर ही होंगे नो मैटर मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करके जो भी मर्जी एड करूँ ठीक है ये मैंने लाइन गलत बनाई है इट शुड बी पासिंग थ्रू ओ रीजन बट द थिंग इज दैट इज सो वट वट यू लर्न फ्राम हेयर इजे अगेन ये नहीं पास कर रही बट जस्ट के इट इज पासिंग थ्रू ओ रीजन सो वट एक्चुअली सीन फ्रॉम हेयर इज कि हमारे पास जो है वो uh, कॉलम स्पेस जो है किसी भी अगर हमारे पास मेट्रिक्स है तो कॉलम स्पेस कैन बी द सेम स्पेस यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप ले रहे हैं उसको फुल को भी कर सकता है लेकिन अगर पॉसिबिलिटी कि अगर डिपेंडेंसीज हैं तो uh, वो फुल टू डायमेंशनल को नहीं कर रहा जिस तरह हालांकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि टू डायमेंशनल कॉलम्स हैं लेकिन ये कि वो फुल टू डायमेंशनल को नहीं कर रहा सो हाउ डू वी फिगर आउट के ये कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा अभी तो आप में से जो है वो किसी को किसी को अंदाजा हो गया कि ये जो है वो डिपेंडेंट है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी हुआ ठीक है एंड देन इवन अगर अंदाजा टू बाई टू में तो हो भी गया है लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी के हंड्रेड बाई हंड्रेड का मेट्रिक्स हो so या हंड्रेड डायमेंशनल जो है वो आपके पास कॉलम्स हो तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है क्योंकि जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट जितने कॉलम्स आप इसमें से निकालेंगे उतना ही वो सब स्पेस को स्पेंड कर रहे होंगे सो द वे टू डू दैट इज के आपके पास जो भी मेट्रिक्स होगा यू विल एक्चुअली रिड्यूज इट टू एच एलॉन फॉर्म रो रो ऑपरेशन करवा के जो है वो आप एच एलॉन फॉर्म में जब लेकर आते हैं तो उस फॉर्म में जितने भी आपके पास कॉलम्स हो जाते हैं विद पीव एलिमेंट्स दे एक्चुअली आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिपेंडेंट कॉलम्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल चलें लेट्स टेक टू मिनट्स और मुझे जो है ना इन दोनों वेक्टर्स की जल्दी से एचल इन दोनों मेट्रसिस की रिड्यूस एचल फॉर्म जो है वो कंप्यूट uh, uh, करके बताएं ठीक है सो सो और लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर के अगर मैं ए वन को करना चाहती हूँ ओके सो ए वन अगर मैं करना चाहती हूँ तो क्या करूंगी ए वन अगर मैं करती हूँ सो दिस विल बिकम आर आर टू में से टू टाइम्स आर वन मैं माइनस कर दू वन थ्री जीरो ओके लेट मी जी सो आर टू माइनस टू आर वन ठीक है तो इट विल गिव मी क्या हो जाएगा माइनस टू फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू ठीक है एंड नाउ आई कैन डू माइनस वन बाय टू आर टू सो दिस इज वन थ्री एंड जीरो वन ठीक है अब आपको नजर आ रहा है कि बोथ ऑफ द कॉलम्स एफ पी एलिमेंट्स व्हिच मींस के आपके पास दोनों दीज एक्चुअली आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो इनका जो भी आप लीनियर uh, कॉम्बिनेशन लेंगे उसका स्पैन जो है इट विल बी कवरिंग द होल आर टू ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले की सो आई एम डूइंग द सेम थिंग आर टू माइनस टू आर वन ठीक है तो इस केस में आप देख सकते हैं कि वट विल हैपन वी हैव जीरो एंड जीरो हेयर ऑल्सो ठीक है सो वी हैव ओनली वन कॉलम विच हैजिमेंट क्योंकि ये जो दूसरा वाला है इसको तो मैं फिर अगेन uh, ये इसके मल्टीपल ही के बराबर आ जाता है ना सो वट वी कैन से सी फ्रॉम हेयर इज के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से वन डायमेंशनल वैक्टर स्पेस स्पैन हो रहा होगा या मैं ये कहूँगी कि जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू वन चुअली नॉट से हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैक्टर्स ऑफ द कॉलम यानी कॉलम से जो वैक्टर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है डायमेंशन इज जस्ट से वो कितना डायमेंशन uh, को स्पैन कर रहा हो ठीक है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ए टू की जो डायमेंशन है कॉलम स्पेस ए टू का जो कॉलम स्पेस है उसकी डायमेंशन वन है हमारे पास जो है वो दो linearly independent columns आ इसका मतलब ये है इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ टू डायमेंशनल वैक्टर स्पेस और कॉलम स्पेस इज एक्चुअली टू डायमेंशनल विच मीन्स के आपके पास जो है वो पूरा एक्स वाइप लेन जो है वो कवर uh, हो रहा होगा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लेकिन वट विल बी द नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉलम ऑफ ए जो है सॉरी कॉलम ऑफ ए जो ए वन जो है इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ओके जो मेरे पास अगर मैं ए वन की बात करती हूँ तो इसके भी कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यानी पी वन और पी टू जो थे दे विल बिलोंग टू आर टू विच मीन्स के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दो होंगे लेकिन डायमेंशन वन होगी सो यू नीड टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंसेस कि आपके पास जो अभी तक हम डायमेंशन का ना कॉन्सेप्ट यही लेते आ रहे थे कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो dimensions हो ठीक है बट वट वी कैन सी इज कि आपके पास बेशक इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दो मौजूद हैं लेकिन दे आर स्पेनिंग समथिंग लेस देन टू डायमेंशन सो इसका मतलब ये है कि आपके पास डायमेंशन जो है वो वन इन द केस ऑफ टू ये जो हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं इस केस में जो है ए टू के केस में जो है हमारे पास क्यू वन एंड क्यू टू विल बिलोंग टू आर टू मीनिंग के ये जब मैं क्यू वन और क्यू टू को लिखती हूँ तो इनके एलिमेंट्स तो दो दो ही हैं ठीक है लेकिन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस विच इज स्पैंड बाय दिस कॉलम ऑफ ए टू इज इक्वल टू वन बिकॉज दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द अदर हैंड जो ए वन है उससे जो कॉलम स्पेस हमारे पास स्पैन हो रहा है uh, so यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है ठीक है कॉलम स्पेस ऑफ अक्स इज डिनोटेड बाई सी एफ ए इट इज दब स्पेस स्पैन बाई कॉलम्स ऑफ ए

तो हर कॉलम में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं एम एलिमेंट्स हैं सो इट मीनस के आपके पास कॉलम स्पेस ऑफ ए जो है इसके जितने भी वेक्टर हैं दे बिलोंग टू आर ऑफ एम क्योंकि ये सारे के सारे अगर आप वो, वर्टिकल जो है डायरेक्शन में देखें तो जो वेक्टर्स बन रहे हैं दे आर एम डायमेंशनल ठीक है हाउ एवर द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जितने भी जगह को जो है वो कॉलम स्पेस आपका स्पैन कर रहे हैं कॉलम स्पेस के कॉलम जितनों के भी स्पैन कर रहे हैं ठीक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है सो द कॉलम फैक्टर्स आर इन आर एम फॉर ए एन बाई एन सो कॉलम स्पेस इट सेल्फ बिलोंग टू आर एम विच मीन के इसके तमाम के तमाम कॉलम जो है वो एम डायमेंशनल उनमें एलिमेंट है ओके ना वट डज इट मीन दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि हम बार बार रिविजिट कर रहे होंगे कि वी हैव सीन कि हम किस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें हमने शुरू में ये चीज़ इस्टेब्लिश की थी कि हम सिस्टम्स uh, को जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के तौर पे लिखते हैं और लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ए एक्स इक्वल टू वाई की टर्म्स में हमने सिस्टम्स uh, को लिखा हुआ था और इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हमारे पास हमने ये कहा था कि वी वांट टू हमें जो अभी तक का नॉलेज है वो हम ये कह रहे हैं कि इनवर्स uh, अगर हमें पता हो तो हम वाई को उससे मल्टीप्लाई करके uh, uh, जो है वो एक्स निकाल सकते हैं वी इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं अगर मैं ए को ये कहती हूं कि ए के में कॉलम जो है वो लेट uh, सपोज के ए के पी कॉलम्स हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि आई कैन राइट ए एस पी वन पी टू से लेकर पी एम तक और जो एक्स है इसमें भी पी एलिमेंट्स होंगे एक्स टू हाँ जी एक्स टू um, जी एंड देन सो एंड सो फोर्थ एक्स एम तक जा रहा होगा ठीक है और जो वाई है दिस अब मैं देखें ये वाली जो साइड है मेरे पास अभी वाई को छोड़ देते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मतलब है कि व्हाट इज दिस दिस इज एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू प्लस सो एंड सो एक्स एम पी एम इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए uh, तो uh, मेरे पास जो वाई आएगा वाई की क्या डायमेंशन हो जाएगी पहले तो मुझे ये बताइए जो हमारे पास अगर आपके पास ये तमाम के तमाम वेक्टर्स जो uh, uh, थे पी वन से लेकर पी ओके uh, okay. अच्छा एक तो लेट मी राइट इट, हियर बिगर फॉर्म में मैं लिखती हूँ ए एक्स इक्वल टू वाई है ठीक है और ए को मैंने लिख दिया पी वन पी टू पी एम तक एंड देन एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एम तक ओके okay, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एम आई राइटिंग इट करेक्टली मेरे पास ए में एम कॉलम्स होंगे ए इज एक्चुअली एम बाय एन चले मुझे ये बताइए कि ए uh, में कितने कॉलम्स होंगे X में कितने एलिमेंट होंगे एंड y में कितने एलिमेंट होंगे और रियल हम सारों की बात कर रहे हैं ठीक है सो आर एक्चुअली तो जी ए में कितने कॉलम्स होंगे सबसे पहले तो ये बताएं एनी वन कॉलम्स होंगे एम एन 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 होंगे ओके गुड ठीक है सो so, इसका मतलब है कि लेकिन हर कॉलम में एम एलिमेंट्स होंगे ठीक है बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी हैव जस्ट सीन इन द लास्ट सो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज है इट शुड बी एन एन कॉलम्स होंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एक्स वन वन एक्स जो वेक्टर वन है ना मगर इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स यस मैम ओके सो इसका मतलब है कि ए इज एम बाय एन एंड एक्स इज एम बाय वन ये कह रहे हैं आप यस मैम ओके इज इट करेक्ट ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है नो no, मैम, no. no, नहीं हो सकती ना अनलेस एन और एन इक्वल है सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एक्स, मैम एन एन होंगे, N होंगे, ओके, सो एन हो जाएंगे सो so, इसका मतलब है कि एक्स विल बिलोंग टू आर एन वट अबाउट वाई वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे वाई विल बिलोंग टू आर एन क्या आर एम यहां से नजर आ रहा है ना ये मल्टीप्लीकेशन एम ठीक है ना बिकॉज इट हैज टू बी एम बाई वन सो वाई विल बिलोंग टू आर ऑफ एम ओकेट वी आर एक्चुअली ये ये वाली जो चीज अब मैं अगर राइट हैंड इसके लेफ्ट हैंड को चेक करती हूँ सो वट आई एम से एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू प्लस एक्स एन पी एन में ले रही हूं ठीक है और क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेक्टर्स हैं जो कि तमाम के तमाम एम कॉम्पोनेंट्स के साथ हैं तो जो भी रिजल्ट मेरे पास आ रहा होगा इट विल हैव डेफिनेटली एम है ठीक है सो वॉट वी आर इज के हमारे पास सोलूशन या वाई हमें मिलेगा इफ वी कैन फाइंड एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एन सच दैट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हमें ये वेक्टर वाई दे रहा हो ठीक है अगेन लेट मी रिपीट दिस जो है 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 वो मेरे पास वेक्टर स्पेस में से ठीक है, है? और अगर मेरे पास मैंने उस वेक्टर स्पेस के कुछ वेक्टर्स ले लिए जो कि मैंने पी वन से पी एन तक डिफाइन कर दिए अगर पी वन से पी एन तक के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं वाई जनरेट कर सकूं वाई इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए यानी ए वैक्टर में मैंने जितने भी वैक्टर्स लिए थे उनके लिए कॉम्बिनेशन से अगर वाई जनरेट हो सकता हो तो वाई इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए बिकॉज हमें पता है कि डेफिनेशन ऑफ द कॉलम स्पेस कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल द वैक्टर्स दैट आर दैट आर जनरेटेड बाय द

दैन इट मीन्स के वाई इज़ इन दालम स्पेस ऑफ ए लेकिन अगर मैं कोई भी इस तरह के एक्स फाइंड ही ना कर सकूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन से वाई नहीं जनरेट वाई जनरेट हो जाए देन आई विल सिंपली से वाई इज़ नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए और इसका उस केस में वर्डज इट एक्चुअली मीन इज़ के सोल्यूशन वाई पॉसिबल ही नहीं है एंड देन वी विल सी लेटर ऑन कि अगर वो सोल्यूशन पॉसिबल ना हो तो हम क्या कर रहे होंगे बट इन एनी केस फ्रॉम हेयर वट वी एक्चुअली कंक्लूड इज कि हमारे पास जब हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड एन एक्स सो दैट ए के कॉलम जो है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम एक्स के एलिमेंट के साथ लें तो हमें वाई मिल जाए तो हम ये कहते हैं और दिस इज एक्चुअली द सेम द सेम थिंग ये वाली चीज़ अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि हम ये एक्स निकाल सकते हैं एंड सम टाइम वी हैव सीन के ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता तो ए इनवर्स पॉसिबल ना होने का क्या मतलब है कि आप ए के uh, कॉलम्स का कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं कर सकते जो कि वाई uh, जो है वो हमें uh, दे रहा हो तो दैट इज़ एक्चुअली समथिंग अगेन हम वाई बार रिविजिट करेंगे अगर थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन भी है तो वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन अच्छा अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया uh, हमने अब कौन कौन सी दो चीज़ें डिफाइन की हैं एक तो कॉलम स्पेस ऑफ ए विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ कॉल ऑल द कॉलम्स ऑफ ए और स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ एंड द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ आपके पास जो लीनियर लीनियरली इंडिपेंडेंट जितने भी आपके पास जो है वो कॉलम्स इस सेट में आ रहे थे ठीक है एंड इट विल डिपेंड हम इसको निकाल कैसे सकते हैं आफ्टर रिड्यूस एचल फॉर्म में आने के बाद सेकेंड डेफिनेशन जो हमने देखी है सेकेंड डेफिनेशन क्या है रो स्पेस ऑफ ए अब जिस तरह हमने कॉलम स्पेस ऑफ ए डिफाइन किया है रो स्पेस इज एक्चुअली द सेम आइडिया लेकिन हम रो स्पेस में क्या कहते हैं वी एक्चुअली से रो स्पेस इज एक्चुअली द स्पैन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्योंकि देखें अगर ए के जो कॉलम थे ए ट्रांसपोज में वो रो बन जाएंगी ना चीजें तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डिफाइनिंग व्हाट वी एक्चुअली से इज रो स्पेस ऑफ ए बाय एम इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज कि आपने ट्रांसपोज करने के बाद रोज को कॉलम बना दिया और अब उसका अगर आप आ, जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज या रो स्पेस ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज एक्चुअली द रो स्पेस ऑफ ए एंड इट इज स्पेन्ड बाय रोज ऑफ ए और अगर हमारे पास हमने देखा था कि कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं कॉलम वेक्टर्स जो हैं उनमें एम एलिमेंट्स हैं तो रो वेक्टर्स में एन एलिमेंट्स होंगे ना अगर आपके पास एम बाय एन का मैट्रिक्स है कि ये जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं हर रो में एन एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि जो आपके पास रो स्पेस है उसके जो वैक्टर्स हैं दे बिलोंग टू आर एन जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही एलिमेंट आपके हर रो में मौजूद होंगे जितने भी नंबर ऑफ रो हैं उतने ही एलिमेंट्स आपके हर कॉलम में मौजूद होंगे मतलब दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम आर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स आर द नंबर जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन दम एलिमेंट इन द कॉलम इज डिपेंडेंट अपॉन के कितनी रोज हैं बिकॉज हर रो जो है वो कॉलम uh, का एक एलिमेंट बना रहा है ओके uh, सो okay, so, ये डेफिनेशन जो है ये uh, uh, और इसमें अगीन जिस तरह हमने डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस डिफाइन किया है उसी तरह से हम जब रिड्यूस एचल फॉर्म में ले जाते हैं तो उस वक्त जितने भी कॉल रोज होते हैं पीवर एलिमेंट्स के साथ उसको हम डायमेंशन ऑफ रो स्पेस डिफाइन करते हैं और इसको हम अगर एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे हमें ज्यादा चीज़ें क्लियर होंगी विच मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी डूइंग टुमारो लेकिन लेट्स जस्ट डिफाइन एवरी थिंग फॉर दट फॉर नाउ कि अच्छा नल स्पेस मुझे कौन बताएगा एनी वन कॉलम स्पेस हमने कह दिया कि जी uh, मैं जो हूँ वो um, जी कॉलम स्पेस इज एक्चुअली द सब स्पेस विच इज़ फॉर्म बाय द स्पैन ऑफ कॉलम ऑफ ए ठीक है यानी आपके पास जो जितने भी कॉलम्स ऑफ ए हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जितना बड़ा आपको वेक्टर स्पेस uh, दे रहा है ये सब स्पेस दे रहा है दैट इज एक्चुअली द कॉलम स्पेस रो स्पेस जो है वो रोज ऑफ ए से दे रहा है या कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज से दे रहा है व्हाट अबाउट नल स्पेस ओके नल स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं वी डिफाइन एक्चुअली द नल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल द वैक्टर्स एक्स सच दैट जब मैं उसको उस मेट्रिक से मल्टीप्लाई करू तो वो मुझे जीरो वैक्टर दे दें ओके इसका मतलब क्या बनता है कैन इवन टेल मी वट डज इट मीन बाय नल स्पेस ऑफ ए मैम नॉर्मली नल स्पेस उस स्पेस को जो dependent vectors, dependent कर दी है तो जो भी एलिमेंट है, तो है, है तो जो बाकी आपके पास नॉन पिवट वाले रह गए हैं फॉर एग्जांपल अगेन मैं अगर हम उसी एग्जांपल पे जाएं जो हम पीछे कर रहे थे हमने ए वन और ए टू की एग्जाम्पल की थी लेट मी गो हेयर किधर थी वो जी ए वन और ए टू की एग्जाम्पल की थी तो हमने अब ये देखा है कि इसमें जो है वो मेरे पास A, ए वन को अगर मैंने रोड चिलान फॉर्म में किया था तो मेरे पास दोनों के दोनों जो कॉलम्स थे वो पिवट वाले आ रहे थे तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट कोई भी कॉलम नहीं है ओके तो इस केस में जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन जो है वो Uh, मेरे पास एक्चुअली वन बनेगी बिकॉज ऑफ द रीजन नहीं स्पेस की डायमेंशन जो है वो जीरो हो जाएगी लेकिन ये कि नल स्पेस में जो एक एलिमेंट जरूर होता है इज वाला जो होता है नल स्पेस कभी भी एम नहीं होता बिकॉज हमें पता है कि नो मैटर वॉट जब मैं किसी भी मेट्रिक को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो तो मुझे जीरो देगा ही देगा ठीक है सो तो सो एक जो चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर ली है कि जीरो वेक्टर इज ऑलवेज इन स्पेस लेकिन ये कि जीरो वेक्टर से ज्यादा भी नल स्पेस में हो सकते हैं ठीक है के अब अब लेकिन अगर मैं ये बात करती हूँ ना कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर दिस वैक्टरिक्स की बात जो हमने मैंने पहले लिखा था कि वन टू और थ्री फोर वाला मेट्रिक्स इस मेट्रिक्स में हमने देखा था कि रिड्यूस ऑन फन काउंट करने के बाद जो है वो हमारे पास दोनों के दोनों पेवट वाले कॉलम्स आ रहे थे तो इस केस में हमारे पास डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस टू था बिकॉज टू डायमेंशनल स्पेस को ये स्पैन करेगा ए एंड डायमेंशनल ऑफ नल स्पेस जो है वो जीरो हो जाएगा विच मीन्स के आपके पास जो है वो बेसिकली नल स्पेस में एलिमेंट तो एक ही है मीन्स के आपके पास जो नल स्पेस है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा ज़ीरो जीरो कोई भी नॉन ज़ीरो आपके पास जो है वो वैक्टर ऐसा नहीं होगा uh, जो कि आपको ए एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो पे मैप करवा रहा हूं ठीक है द अदर थिंग जो आप में से किसी ने अभी ये जवाब दिया है कि अगर मैं ए टू हमने देखा था तो इसमें भी सौ के ए टू के के केस में इट बिकम समथिंग लाइक दिस कि आपके पास पीवर्ट का एक कॉलम है ठीक है दूसरा कॉलम इसका लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस केस में मेरे पास डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस वॉज वन वट इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इन दिस केस इन दिस केस आल्सो ऑल्सो लेट्स सपोज के ये मेरे पास क्या आ गया था वन जीरो एंड थ्री वन आ गया था ना इस तरह से कुछ आ गया था तो आप कोई मुझे बताएगा कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इन बोथ ऑफ दिज केसेस पहले वाले में रो स्पेस की कितनी डायमेंशन है कितनी है ये कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी है लेनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं टू कैसे पता चल रहा है जिनमें ये पेवर्ट एलिमेंट है पेवर्ट आपको पता है ठीक है कि आपके पास जब रो रिड्यूस है चलोन फॉर्म में जहां से आपके पास वो कॉलम uh, में आपके पास सब ये समझ ले कि नॉन जीरो पहला एलिमेंट जो है क्योंकि मैंने ये पूरा नहीं किया लेकिन ये भी जीरो हो जाएगा ना अगर मैं इसको आर वन माइनस थ्री आर टू कर देती हूँ तो ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दिस इज आई कैन नॉट मेक दिस जीरो तो दिस इज अ पेवर्ट एलिमेंट ओके सो माई क्वेश्चन इज कि इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं दो एंड अगर मैं सेम डेफिनेशन रो के ऊपर डिफाइन करूं कि दीज आर द नंबर ऑफ रोज विद प्यवर्स एलिमेंट तो कितने नंबर ऑफ कॉल रो इंडिपेंडेंट रोज हैं जी टू ठीक है जितने जितने कॉलम्स हैं उतने ही रोज होंगी ठीक है सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखती हूं तो अगेन वी कैन एक्चुअली सी um, uh, के ये वाला जो है ये पूरे का पूरा आपके पास जो है वो जीरो हो सकता है बिकॉज पीवर्ड जो है वो इसमें ये एक दूसरे के मल्टीपल uh, में आ रहे हैं या इन अदर वर्ड्स वन जो है वो कॉलम uh, है Uh, जो कि uh, आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड वन ही रो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि दूसरी वाली जो है उसमें प्यवेट एलिमेंट मौजूद नहीं है सो so, एक चीज़ जो हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ से वो ये कि जो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस है दैट वुड रिमेन द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस आल्सो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास जितने आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आएंगे हमेशा उतने लीनियरली इंडिपेंडेंस कॉलम भी आएंगे ठीक है और वो हम एग्जांपल्स करके जो है इसको दोबारा से जो है वो वेरीफाई uh, भी करेंगे एंड द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस वुड बी डिपेंडेंट अपॉन के आपके पास कॉलम स्पेस या रो स्पेस की जो डायमेंशन है वो कितनी आ चुकी है अब इस केस में मेरे पास अगर वन आई थी डायमेंशन ऑफ रो स्पेस या कॉलम स्पेस तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें कोई भी पीवेट ऑलिमेंट नहीं है या नंबर ऑफ रोज जिसमें कोई भी पीवेंट ऑलिमेंट नहीं है एंड दिस केस आई हैव दिस इक्वल टू वन सो so, इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो है वो मेरे पास नॉन uh, पीव uh, जो है वो कॉलम से या रोज से हमारे पास आ रहा होगा और इसको हम uh, निकाल कैसे सकते हैं वी एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एन माइनस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या रो स्पेस ऑफ ए जो भी आप ले लेते हैं जो भी हमारे पास यानी एम माई एन था ना हमने जो लिया था मेट्रिक्स तो उसमें से एंड में से अगर आप डायमेंशन को माइनस करें तो आपको डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ जाती है जो आखिरी सब स्पेस इसमें डिफाइन होती है दैट इज लेफ्ट नल स्पेस और हम बेसिकली नल स्पेस कॉलम स्पेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे आगे जो है रो स्पेस को और लेफ्ट नल स्पेस को हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या बनता है जो Left null space है, that is actually defined as the null space of A transpose, which means के ये जो हमारा row space था ना जो हमने यहाँ पे define किया था, उससे हम आरे पास जो null space आ रहा है, या in other words, what we are saying is कि A transpose y अगर आप ले रहे हैं, तो वो तमाम y जो के ट्रांसपोज वाई को जीरो पे मैप करवा देते हैं दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द लेफ्ट नल स्पेस, और uh, इसको जो लिखने का तरीका जो है वो तो खैर हम कल uh, बाद में देखेंगे मोमेंट वट आई ये वाली चीज हमने नहीं की है आई ये, ये हम कल करेंगे सो एट द मोमेंट वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड और इज कि आपके पास uh, कोई भी अगर हमें एक मैट्रिक्स मिला हुआ है उस मैट्रिक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स uh, के स्पैन से हमें डिफरेंट टाइप्स की सब स्पेसेस मिल रही होती हैं वी विल टॉक अबाउट कि इंट्यूटिवली व्हाट डज इट मीन कि ये uh, तो, मतलब आप लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स हैं यानी डिपेंडेंट रोज हैं वो नल स्पेस बना रहे हैं बट द क्वेश्चन इज कि वो हो गया है वट इज ये जो हम ये कहते हैं ना कि वो तमाम एक्स के स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स विच आर टेकिंग दिस प्रोडक्ट टू जीरो वट डज इट एक्चुअली मीन ठीक है कि ये जीरो जाने का क्या मतलब है वेयर इज इट गोइंग और ये एक्स जो है इनकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है दिस इज एक्चुअली समथिंग नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन ये कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें ये समझ में आ रहा हो कि ये जो एक्स हैं ये आखिर कर क्या रहे हैं ठीक है कि ए को जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट इज़ एक्चुअली अपनी ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे अगर अभी तक लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अदरवाइज वी विल स्टॉप नाउ ओके आई गेस कि नहीं है कोई क्वेश्चन तो